आजादी के बाद देश के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने छोटी बड़ी रियासतों का एकीकरण करने और देश को एकता के सूत्र में पिरोने का महान काम शुरू किया। इसमें से जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद को छोड़कर बाकी ने देश की आजादी का सम्मान करते हुए खुद को भारत में विलय कर दिया। इसमें भी हैदराबाद ने कड़ा प्रतिरोध किया। निजाम किसी भी हाल में हैदराबाद का विलय भारतीय संघ के साथ होने नहीं देना चाहते थे। इस दौरान उनके आताताई रजाकार जुल्म और सितम की इबारत लिख रहे थे। इतना ही नहीं, उसने भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मदद जा मांगी। इस पर जनरल करियप्पा से सरदार ने पूछा कि अगर हैदराबाद के मसले पर पाकिस्तान की तरफ से कोई सैनिक प्रतिक्रिया आती है तो क्या वो बिना किसी अतिरिक्त मदद के उन हालात से निपट पाएंगे? करियप्पा ने इसका एक शब्द में जवाब दिया, हाँ। और इसी के साथ बैठक खत्म हो गई। इधर पाकिस्तान में लियाकत ने जोर देकर पूछा कि क्या हम दिल्ली पर बम नहीं गिरा सकते हैं? इसका जवाब देते हुए बैठक में मौजूद ग्रुप कैप्टन अलवर्दी ने कहा, नहीं। और फिर शुरू हुई कार्रवाई। 5 दिनों तक चली इस कार्रवाई में 1373 रजाकार मारे गए। हैदराबाद स्टेट के भी जवान हलाक हुए। भारतीय सेना के 66 जवानों ने अपने लहू से सींचते हुए हैदराबाद को भारत का हिस्सा बनाया और इस अभियान में भारतीय सेना के 97 जवान घायल भी हुए और आखिरकार 17 सितंबर के दिन हैदराबाद का भारत में विलय हो गया।